पर्कुलेशन टैंक के लिए कृषकों को अनुदान दिया जाता है उसके संबंध में है। जवाब आया अध्यक्ष महोदय, सवाल कुछ था उसके जवाब में ये जोर दिया गया है कि डीप बोरिंग की भी मांग की जा रही है, जबकि सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि पर्कुलेशन टैंक के लिए कृषक को अपनी जमीन देनी पड़ती है और छोटे किसानों के लिए अपना उतना जमीन पर्कुलेशन टैंक को देना संभव नहीं हो पाता, तो जितना लाभ इस योजना से कृषक को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। गांव ग्रामीण क्षेत्रों में डीप बोरिंग की मांग ज्यादा है, वो कुआं से में अगर डीप बोरिंग करा करके उनको अगर मोटर वगैरह उपलब्ध हो जाता है तो उनकी सिंचाई का व्यवस्था पर्कुलेशन टैंक से बेहतर होता है। अध्यक्ष महोदय मेरा यही पूरक है कि डीप बोरिंग की संख्या को क्या कृषि विभाग किसानों के हित में बढ़ाने के बारे में कुछ सोच रही है? बोलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के सुझाव के आलोक में तो ये कहना चाहूंगा कि इस मद में इस बार वर्तमान सरकार में 500 करोड़ का व्यवस्था किया गया। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से डीप बोरिंग की जो उन्होंने मांग की है उनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी। हो गया आपका डीप? अध्यक्ष महोदय, डीप बोरिंग की संख्या जो आती है अब एक पूरे विधानसभा क्षेत्र में 9, 10, 12 की होती है, एक अनुमानित संख्या प्रति प्रखंड वाइज अगर मंत्री जी अगर यहाँ बता पाएंगे तो बहुत अच्छा होता। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जल यदि धरती से आप निकालते हैं तो जल संरक्षण करना भी हमारा साइंस कहता है, विज्ञान कहता है और हम सब करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो छोटे किसान है उनके लिए मनरेगा खूब भी है और इस बार 1,00,000 कृषि कार्य हेतु विरसा सिंचाई कूप का निर्माण का घोषणा भी किया गया। अध्यक्ष महोदय, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा, तो अध्यक्ष महोदय, जल संरक्षण को देखते हुए हमें पीटीवी बनाना है, जमाबंदी और सरकारी तालाबों के जीर्णोद्धार भी करने हैं और डीप बोरिंग जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अध्यक्ष महोदय, एक किसान समृद्धि योजना आया है, मैडम को बताना चाहेंगे मैडम, उसमें माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन एरिया उसमें होगा। अध्यक्ष महोदय, मतलब जहाँ पे जल स्रोत है वहाँ से जल उठाकर लिफ्ट कर सोलर से और आसपास के पूरे उस क्लस्टर में एक निश्चित रकबा में उसका हम लोग ये करेंगे, सिंचाई का प्रबंध करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी जो बात कह रहे हैं सिंचाई कूप देने की बात, वो मैं सरकार के इस योजना का हम स्वागत करते हैं, जरूर इससे जो छोटे किसान हैं उनको लाभ मिलेगा, लेकिन जो जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, टेबल को प्रोटेक्ट करो, जल संरक्षण की बात हो रही है उसके लिए पीटी ही माध्यम है, ऐसा नहीं अध्यक्ष महोदय, किसानों को अपना जिनके पास पूरक नहीं करना कर रहा है पूरक करे ना। अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब नहीं मिला, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर एलोकेशन हुआ है बजट का 500 करोड़ का तो प्रति प्रखंड अंदाजन क्या कितनी संख्या में डीप बोरिंग दी जाएगी किसानों को, मेरा इतना ही सवाल है मंत्री जी। माने आप संख्या जानना चाहते हैं ना, एक अनुमानित संख्या? अनुमानित संख्या, ठीक है, तो अनुमानित संख्या बता दीजिए ब्लॉक में पंचायत में। अध्यक्ष महोदय, अभी बजट लिया गया, अध्यक्ष महोदय हम जब राज्यादेश निकालेंगे तो उनको अनुमानित संख्या बता देंगे। अध्यक्ष महोदय, आप पूरक की बात करते हैं, हमें हमारा जवाब नहीं मिलता। अगर बजट का एलोकेशन हुआ है, सुखाड़ की परिस्थिति है राज्य में, अगर ये डीप बोरिंग की कितनी संख्या मांग के अनुरूप भी अगर एक कोई प्री प्लान बनना चाहिए बजट रखने के इस पर, एक बहुत ही सिंपल सवाल जो लोगों, आप कह रहे हैं कि डीप बोरिंग की भी मांग की जाती रही है, वो जो मांग है उसके अनुरूप अगर नहीं अभी तक जाना गया तो ये योजना का लाभ किसान कब तक ले पाएंगे? फिर बजट का पैसा रखा रह जाएगा और उसका इस्तेमाल नहीं होगा कृषकों के हित में। अध्यक्ष महोदय, जल संचयन के यदि कुशल प्रबंधन की बात कहें अध्यक्ष महोदय, तो यह सुझाव दिए जाते हैं कि डीप बोरिंग को जितना ज्यादा हो अवॉइड किया जाए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उससे एक तो जल स्तर नीचे जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और डीप बोरिंग से जल स्तर और नीचे जाने का खतरा होता है, लेकिन फिर भी
जहाँ मांग होती है किसान मांग करते हैं, अध्यक्ष महोदय हम देते हैं। गव्य विकास से भी डी बोरिंग का व्यवस्था है अध्यक्ष महोदय। डी बोरिंग सिर्फ कृषि विभाग ही करे ऐसा नहीं है, हम अपने विधायक निधि से भी दे सकते हैं अध्यक्ष महोदय। हम DMFT फंड से भी डीप बोरिंग का व्यवस्था करा सकते हैं अध्यक्ष महोदय। अन्य भी फाइनेंशियल व्यवस्थाएं हैं अध्यक्ष महोदय, जहां से माननीय सदस्य यदि ज्यादा डीप बोरिंग चाहे तो उसके लिए भी सरकार ने वित्तीय व्यवस्था की है अध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार ने माननीय सदस्य का सुझाव आया है कि हम करें जो बजटीय उपबंध अध्यक्ष महोदय, उसके आलोक में हम इनके सुझाव को मान लिया, राज्यादेश जब निकलेगा तो उसकी कॉपी इन्हें दे दी जाएगी कि इनको कितना हमने आवंटित किया अध्यक्ष महोदय। हैं आप तो कैसा गोलमोल जवाब मिल रहा है ये आपके सामने है। जल संरक्षण करने का भी व्यवस्था कृषि विभाग में है और जो डीप बोरिंग जो किसानों के लिए जरूरत है उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर है। विधायकों के पास 5 करोड़ रुपया है, उससे कौन कौन सा काम कराया जा सकता है। इस तरह की टिप्पणी सदन में मुझे लगता है कि इसलिए हम लोग सवाल नहीं करते हैं अध्यक्ष महोदय। एक अनुमानित संख्या आप कृषि विभाग से कितना करेंगे, दूसरे मत से जो हम लोग करा सकते हैं उस पर तो हम लोग जाके DMFT से कर सकते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी आप कृषि विभाग में प्रति प्रखंड कितना डीप बोरिंग का व्यवस्था किया है मोटा मोटी उसी को बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय वो राज्यादेश आएगा जब हमारी कमेटी निर्णय लेगी अध्यक्ष महोदय, तभी हम वो कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय। ये सदन है, हम अनुमान नहीं कर सकते, उनके सुझाव को हमने देख लिया, उन्हें डीप बोरिंग की आवश्यकता है तो उसका ख्याल रखा जाएगा। आप लिख के दे दीजिए, आपका डिमांड लिख के माननीय मंत्री जी को दे दीजिए। ठीक अध्यक्ष महोदय, राज्यादेश कब तक आने का संभावना ये तो बता सकते हैं आप, लिख के अपना डिमांड दे। बजट का एलोकेशन किस बात पर लिया गया अध्यक्ष में, कोई प्री प्लान नहीं है क्या? और फिर साल के अंत में पता चलता है कि आधे से अधिक बजट का इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं इस बात को और बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप इस विभाग से राज्यादेश डीप बोरिंग के तब तक आएगा इस पर, इसका समय तो बता ही सकते हैं मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय ये प्रक्रिया, अध्यक्ष महोदय 1 अप्रैल से हमारा बजटीय उपबंध शुरू होगा अध्यक्ष महोदय। हम लोग जल्द ही राज्यादेश निकालेंगे और जैसे ही राज्यादेश निकलेगा उनका जो आवंटन है हम उन्हें उपलब्ध करा देंगे। हो गया। माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी अध्यक्ष महोदय।